दोस्तों अहम खबर यह है कि पीएसएल की सबसे बेहतरीन टीम मुल्तान सुल्तान के हेड कोच एंडी फ्लॉर पीएसएल को छोड़कर भारत आईपीएल के लिए पहुंच चुके हैं और इसलिए कहें कि वहां पर आईपीएल की ऑक्शन होनी यानी खिलाड़ियों की नीलामी होनी है और वो नई जो फ्रेंचाइज है लखनऊ की उसके हेड कोच हैं और उस नीलामी यानी ऑक्शन में शिरकत के लिए एंडी फ्लॉर जो हैं वो कराची से इंडिया पहुँच चुके हैं और मुल्तान सुल्तान टीम मैनेजमेंट जराए के मुताबिक अब वो जब लाहौर में मैचेस दोबारा शुरू होंगे पीएसएल के लिए तो 16 फरवरी को शायद कराची किंग्स के साथ मैच है मुल्तान सुल्तान का, उस मैच के लिए अवेलेबल होंगे। और कल जो मैच हफ्ते को 5 फरवरी को खेलना है मुल्तान सुल्तान ने अपना कराची लेग में आखिरी मैच जो खेलना है उसके लिए वो अवेलेबल नहीं होंगे, मगर इस टाइम पीरियड के अंदर एंडी फ्लॉर जो हैं वो वर्चुअली अवेलेबल होंगे, यानी कंसल्टेशन अगर करनी है तो बाई फोन या वर्चुअली वो की जा सकती है। तो ये एक अहम अपडेट इस लिहाज से भी है कि पीएसएल चूंकि चल रहा है और मुल्तान सुल्तान अपनी पूरी पीक में है, ऐसे में उनके हेड कोच का जाना और खासकर पीएसएल को छोड़कर आईपीएल ऑक्शन के लिए जाना एक बड़ी खबर है यहाँ पे फैंस के लिए भी और खुद क्रिकेटर्स के लिए भी। अगरचे किसी भी क्रिकेटर की जानिब से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस हवाले से नहीं आई है, ना ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से इसके ऊपर इसका खुशी या नाराजगी का इजहार किया है, मगर एक क्वेश्चन मार्क जरूर है कि पीएसएल में खासकर जब कोविड प्रोटोकॉल को बहुत खास ख्याल रखा जा रहा है क्योंकि जो भी खिलाड़ी यहाँ पे आ रहे हैं वो 3 दिन का पहले जो क्वारंटाइन है वो करते हैं, उसके बाद ही दिगर टीम के साथ या प्रैक्टिस वो कर सकते हैं। अब जबकि पीएसएल चल रहा है ऐसे में एंडी फ्लॉर यहाँ से गए हैं और दोबारा जब वापस आएंगे फिर वो क्वारंटाइन प्रोटोकॉल को पूरा करेंगे और उसके बाद जो है वो अपनी टीम के साथ अटैच हो सकते हैं। तो 16 फरवरी की डेट रखी है एंडी फ्लॉर दोबारा लाहौर में जब पीएसएल शुरू होगा तब वो अपनी टीम के साथ जुड़ सकेंगे। तो देखना यह है कि कितना अहम था उनका, ये तो तय बात है कि पीएसएल में जितना उनको पे किया जा रहा है उससे बहुत ज़्यादा उनको अब आईपीएल में पे किया जाएगा और बतौर कोच वो इंग्लिश टीम के साथ भी रह चुके हैं और बहुत बड़ा नाम है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर पीएसएल को छोड़ के इस तरह से जाना आईपीएल के अंदर, इसके ऊपर पीसीबी का क्या रद्दअमल आएगा उसका हम इंतजार तो कर सकते हैं, मगर आपकी क्या राय है आप कमेंट की सूरत में ज़रूर बता सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।